जैन साथियों, कुछ साथियों की कमेंट आने लग गई है कि एडमिट कार्ड आ गया है और इसमें शिफ्ट नहीं बताई है और आपका टाइम नहीं बताया है और कॉलेज का सेंटर नहीं बताया गया है कि कौन से सेंटर पे आपका एग्ज़ाम है। तो साथियों, आपको बता दूं, ये केवल आपकी एक पर्ची है जिससे कि आप अपना डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं। ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है। आपका एडमिट कार्ड जो है 13 फरवरी को जारी होगा और आप डाउनलोड कर सकते हैं उसकी भर्ती बोर्ड की भी ऑफिशियल वेबसाइट से, जो कि है आपकी UPPVPV.government.in। इस साइट पर जाकर आप अपना 13 फरवरी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए भी आप अपनी पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि अगर डालेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ये आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अपनी एग्जाम सेंटर पर भी ले जाना है आपको। उसमें आपका एग्जाम सेंटर और आपका समय साफ साफ स्पष्ट लिखित में होगा। और आपके एडमिट कार्ड के बारे में, आपने 10 फरवरी और 11 फरवरी को जो भी पर्ची आपने डाउनलोड की है, ये केवल आपका जिला और एग्जाम डेट दर्शाएगी। ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है और न ही मान्य होगा ये। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि आपकी जो के दो दो पाली हैं, 17 तारीख और 18 तारीख, 2 दिन आपका एग्जाम होगा। दोनों डेट में दो दो पाली रहेंगी और इसकी टाइमिंग रहेगी, पहली पाली की जो रहेगी 10 से 12 और सेकेंड पाली की 3 से 5 रहेगी। और आपको श्योर कर लेना चाहिए कि आपको अपने जो जिस पाली में आपका एग्जाम होगा उससे आपको 2 से 4 घंटे पहले अपने सेंटर पर पहुंच जाना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो भीड़ भाड़ रहेगी और ट्रैफिक काफ़ी रहेगा तो इसमें आपकी पेपर छूटने की संभावना रहेगी, आपकी मेहनत में पानी फिर सकता है। इसलिए आप अपने सेंटर पर, एग्जाम सेंटर पर अपने समय से पहुँचें। और अदर इंफॉर्मेशन चाहिए और आप जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको भर्ती प्रक्रिया से सारी संबंधित जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत साथी।